तो लीजिए भाइयों, आप सभी की कमेंट के ऊपर मैंने बना दिया है 200 रुपए के अंदर पावरफुल वैक्यूम क्लीनर। भाई ये जो वैक्यूम क्लीनर है सिर्फ 200 रुपए में बनके तैयार हो जाएगा, और मार्केट में मिलने वाले जो वैक्यूम क्लीनर है उसकी रेट है 1500 से 2000 रुपए का छोटी साइज वाला वैक्यूम क्लीनर। और भाई इसकी पावर की बात कर ली जाए तो आपको स्टार्टिंग में इसका पावर दिख ही गया है वीडियो के अंदर। भाई चालू करते हैं इस वाले वैक्यूम क्लीनर को, कैसे मैंने बनाया है आप सभी को मैं सिखाने वाला हूँ, और इस वाले वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना, काफी ज्यादा मजा आने वाला है, कुछ आपको नया सीखने के लिए मिलने वाला है। तो चालू करते हैं इस वाले वीडियो को। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब फटाफट से कर लीजिए। तो चलो भाइयों काम चालू करते हैं। सबसे पहले एक 90 mm का पाइप लेना होगा और यहां पर इसको 12 सेंटीमीटर पर मार्किंग लगाकर कट कर देंगे। तो फाइनली गाइस पाइप हमारा यहां पर कट हो चुका है। अब यहां पर हमें प्लास्टिक पाइप से एक शीट बनाकर लेनी होगी, और यहां पर अब क्या करना होगा, इसके राउंड सर्किल यहां पर कट करने होंगे। तो फटाफट से मैं मार्किंग लगा देता हूं और यहां पर इसको हम कट कर देंगे। कट करने के लिए यहां पर मैं टेबल सा का यूज़ कर रहा हूं, और इस मशीन को मैंने खुद नहीं बनाया था, तो यार ये काफ़ी काम की चीज़ है। इस मशीन को अगर देखना है आपको कैसे बनाते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाकर ज़रूर देखना। तो हमारे टेबल जो ने काफ़ी जल्दी से हमारा काम कर दिया है, और यहाँ पर हमने 3 पीस यहाँ पर कट कर लिए हैं। तो भाई यहाँ पर अब इन 3 पीसों को हम कहाँ पर लगाने वाले हैं आगे वीडियो में दिखाऊंगा। तो उससे पहले लेंगे हम यहाँ पर एक 555 मोटर, जो कि काफ़ी हाई RPM वाली मोटर है, और इस मोटर के RPM मैंने खुद नहीं बढ़ाए थे, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उस वीडियो को ज़रूर देखना, क्योंकि लो RPM पे हमारा वैक्यूम क्लीनर काम नहीं करने वाला है। अब भाई यहाँ पर हमें क्या करना होगा, एक राउंड सर्किल के अंदर इस मोटर को लगाना होगा। तो यहाँ पर लगाने के बाद में हमें क्या करना होगा, एक वैक्यूम क्लीनर का फ़ैन लेना होगा। जिस टाइप से हमारा हवा के लिए फ़ैन होता है, एक वाटर पंप के लिए एम्पुलर होता है, तो उसी टाइप से यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो है हमारे पास वैक्यूम क्लीनर का फ़ैन है, और ये मैंने लाजपत राय जो दिल्ली के अंदर मार्केट है वहाँ से परचेस किया है, ये छोटा वाला वैक्यूम क्लीनर का। अगर आपको बड़ा वाला बनाना था उसका भी आपको मिल जाएगा ये इस टाइप का, तो आपको दिल्ली जाना पड़ेगा, लाजपत राय मार्केट से परचेस करना होगा। अब भाई यहाँ पर हमें क्या करना होगा, इसको इस मोटर शाफ्ट पे कनेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर ये कनेक्ट हो चुका है इस टाइप से। अब भाई यहाँ पर हमें क्या करना होगा, इसको इस बॉडी के अंदर फिट करना होगा। तो फिट करना काफ़ी ज़्यादा आसान है, कोई बच्चा भी इसको आराम से फिट कर देगा। तो आप वीडियो में बने रहिए लास्ट तक, काफ़ी ज़्यादा मैं आपको नॉलेज और इंटरेस्टिंग चीज़ें बताने वाला हूँ इसके अंदर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे जो यहाँ पर बॉडी है, मतलब ये पाइप जो है, इस पाइप के अंदर हमें इसको इस टाइप से फिट करना होगा कि इसके अंदर ज़्यादा गैप नहीं रखनी है। यहाँ से हमारी हवा जाएगी और यहाँ से ये बाहर साइड में फेंक देगा। तो यहाँ पर हमें बाहर हवा फेंकने के लिए क्या करना होगा, गैप रखना होगा, मतलब होल करने होंगे, जिससे हमारी हवा जो है बाहर की साइड में फेंकने में आ सके। तो यहाँ पर मैंने एक मार्किंग लगा दी है, और मार्किंग लगाने के बाद यहाँ पर मैं 3 होल कट कर लूँगा इसके अंदर। तो लीजिए भाइयों यहाँ पर मैंने 3 होल कट किए, और ये जो होल है थोड़ी लंबी साइज के, ताकि यहाँ पर हवा जो है आराम से आर पार हो सके। अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा, हमारी मोटर को और हमारा जो फैन है इसको अंदर की साइड में लगाना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैं इसको इस टाइप से लगा रहा हूँ कि हमारी जो मोटर है अंदर की साइड में रहे, और प्रोपेलर जो है इसका वैक्यूम क्लीनर का वो ऊपर की साइड में रहे, और यहाँ पर इसको सुपर ग्लू से हम अच्छी तरीके से चिपका देंगे। अब भाई यहाँ पर देख सकते हो ये काफ़ी अच्छी तरीके से लग चुका है। अब ऊपर की साइड में जो आप देख सकते हो यहाँ पर हमने डिस्क कट करी थी, इसको यहाँ पर लगा देंगे और सुपर ग्लू से चिपका देंगे। अब यहाँ पर इसको थोड़ा फिनिशिंग कर देंगे, ताकि यहाँ पर ये जो है पार से ऊपर खाबड़ नहीं लगे और ये थोड़ा अच्छा लगे। तो फाइनली आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने इसको फिनिशिंग भी दे दी है, थोड़ी गोलाई शेप में दे दी है, ताकि ये अच्छा दिखे। अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा, जो हमारा वैक्यूम क्लीनर कचरा खींचेगा ना, उसको इकट्ठा करने के लिए एक जार चाहिए। तो यहाँ पर मैं प्लास्टिक जार का यूज़ करने वाला हूँ, और ये जो है ट्रांसपेरेंट है, ताकि हमें सारा कचरा दिख जाए। अब इसका ढक्कन लेंगे, ढक्कन के अंदर एक होल करना होगा हमें, और इस होल के ऊपर की साइड में लगाना होगा हमें बाइक के अंदर जो इंजन होता है, उस इंजन के अंदर ऑयल फिल्टर होता है, उस ऑयल फिल्टर का यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं भाइयों। ये आपको नया लेके आना है, पुराना यहाँ पर काम नहीं करेगा। अब भाई यहाँ पर क्या होता है, इस ऑयल फिल्टर के अंदर एक पेपर होता है, जो कि जिसके अंदर बारीक बारीक से होल होते हैं, जो कि डस्ट जो होती है उस डस्ट को पकड़ लेता है और हवा को आर पार जान देता है। तो यहाँ पर हम इसी का यहाँ पर यूज़ करेंगे भाइयों, और यहाँ पर क्या करेगा, ये डस्ट को जार के अंदर ही रखेगा, और हवा जो है वो बारीक साइड में फेंकने में आ जाएगी, ठीक है।
अब यहाँ पर हमने क्या करेंगे, इसको इपोक्सी ग्लू से चिपका दिया है और इस ढक्कन को यहाँ पर हम सुपर ग्लू से इसके ऊपर चिपका देंगे। अब आपको ध्यान रखना होगा भाइयों कि यहाँ पर कोई गैप नहीं रहनी चाहिए, अगर गैप रहेगी तो यहाँ पर ये हवा साइड से ले लेगा, आगे से नहीं लेगा और हमारा वैक्यूम क्लीनर काम नहीं करेगा। अब हमारा जार जो है, जार के ऊपर के साइड में हमें क्या करना होगा, एक कट लगाना होगा ताकि यहाँ पर हमारा जो है हम एक पाइप लगा सकें ताकि हमारा जो वैक्यूम क्लीनर आगे इस पाइप से कुछ भी हवा को खींच सके और सामान को कचरे को खींच सके। तो फाइनली गाइज यहाँ पर मैंने इसको कट कर दिया है। अब कट करने के बाद यहाँ पर थोड़ा इसको सैंड पेपर से घिस दूंगा मैं और यहाँ पर आगे की साइड में एक ढक्कन लगाना होगा हमें, ठीक है। तो ढक्कन आप कोई सा भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हो जो वेस्टेज में पड़ा हुआ ना आपके पास इस साइज का, आप जार के अनुसार देख सकते हो और यहाँ पर लगा सकते हो। अगर नहीं मिलता तो एक प्लास्टिक से आप बना सकते हो, मेरे पास पड़ा होता तो मैं नहीं बना रहा हूँ। अब इपोक्सी ग्लू लेंगे हम यहाँ पर। इपोक्सी ग्लू आप बहुत सारे को पता नहीं होता क्या होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ, एरल्डाइट जो होती है, आप मार्केट में जाना 10 रुपये में मिल जाएगी एरल्डाइट, उस एरल्डाइट को इस इपोक्सी ग्लू बोला जाता है। तो यहाँ पर उसके अंदर दो ट्यूब आएगी, उन दोनों ट्यूब को मिलाना है और यहाँ पर चिपका देना है। तो फाइनली गाइस यहाँ पर हमारा ढक्कन लग चुका है, अब यहाँ पर हम इसके अंदर होल कर देंगे। तो फाइनली गाइस एक हमारा होल हो चुका है और यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे पास एक नागिन सा एक पाइप है और ये पाइप आप सभी ने देखा होगा कि हमारे जो सिंक होता है हाथ धोने का जो होता है उसके नीचे की साइड में लगा होता है, तो ये आपको मिल जाएगा इजीली। सिंक की दुकान जो होती है जहाँ पर नल फिटिंग का सामान मिलता है वहाँ पर, वाइट कलर का भी आता है, ब्लैक कलर का भी आता है, कोई सा भी कलर का लेके आ सकते हो और यहाँ पर इसको एरल्डाइट से चिपका दीजिए। फाइनली गाइज यहाँ पर अब क्या करेंगे, ये जो जार है यहाँ पर स्टाफ से लग जाएगा और जब भी इसके अंदर कचरा आएगा इकट्ठा हो जाएगा यहाँ से सारा का सारा और नॉर्मल हवा बाहर की साइड में निकल जाएगी। जब इकट्ठा ज़्यादा हो जाए तो यहाँ पर खोल के आप इसको निकाल सकते हो, ठीक है, सारा कचरा फेंक दीजिए। अब भाई यहाँ पर हमें एक हैंडल लगाना होगा ताकि इस वैक्यूम क्लीनर को पकड़ सके हम। तो यहाँ पर मैंने एक हैंडल ऑलरेडी बना लिया है क्योंकि यार इसमें काफ़ी टाइम लगता है और अगर मैं इसको वीडियो में दिखाता आपको तो काफ़ी लंबा वीडियो बन जाता जिसमें आप बोर हो सकते थे, तो मैंने सोचा कि यार इसको ऑलरेडी बना लूँ मैं। इसमें आप देख सकते हो मैंने प्लास्टिक पाइप से इसको बनाया है। अगर आपको ये बनाना नहीं आ रहा है तो आप क्या कर सकते हो, एल्बो ले सकते हो और एक पाइप ले सकते हो, जो एल्बो लगा दीजिए यहाँ पर तो वो भी हमारा इस टाइप से बन जाएगा। लेकिन भाई यहाँ पर मैं थोड़ा यार फ्री बैठा हुआ था तो मैंने सोचा क्यों ना एक कलाकारी दिखा दी जाए आपको। तो फाइनली गाइस ये जो आप देख सकते हो हमारा हैंडल बन चुका है और हैंडल कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बता देना, ठीक है भाइयों। अब यहाँ पर फीमेल कनेक्टर लेंगे एक और एक स्विच लेंगे यहाँ पर ताकि इसको ऑन ऑफ कर सकें हम। और यहाँ पर अब क्या करना होगा, एक हमें वायर लेना होगा ताकि हम मोटर तक इसका सप्लाई पहुँचा सके। अब पीछे वाला जो हमने यहाँ पर डिस्क कट करी थी उसके ऊपर यहाँ पर होल करके इन दोनों को लगा देंगे। अब भाई यहाँ पर मैं इसको लगाता हूँ फटाफट से, उतनी देर में अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फटाफट से कर लीजिए यार, काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है आप सभी के लिए नए नए आइडिया लाने में। और फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो फॉलो कर लेना, चैनल पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके ज़रूर बता देना, ठीक है, कि आप वीडियो को देख कहाँ से रहे हो और आपका नाम क्या है, ठीक है भाइयों। फटाफट से कमेंट करो और मुझे अच्छा लगेगा आपकी कमेंट पढ़ के, मैं आप सभी के कमेंट पढ़ता हूँ, रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ क्योंकि बहुत सारी कमेंट्स होती है तो बहुत सारों को कमेंट कर रिप्लाई भी कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो फाइनली गाइस यहाँ पर आप देखते हो हमने कनेक्टर भी लगा दिया है और यहाँ पर हमारा स्विच भी लग चुका है। अब वायर को लेंगे और हमारे मोटर के पीछे की साइड में यहाँ पर हम इसको सोल्डरिंग कर देंगे। तो देख सकते हो फटाफट से हमने सोल्डरिंग कर दिया है। अब यहाँ पर इसकी वायरिंग जो है ना भाई, मक्खन है मक्खन, कोई भी आँख बंद करके कर सकता है, लेकिन भाई आप आँख बंद कर मत करना वरना आपका सोल्डरिंग हाथ पर चिपक जाएगा और काफ़ी दर्द होगा। तो यहाँ पर देख सकते हो मैंने क्या करा है कि हमारे जो 12 वोल्ट की सप्लाई है उसके अंदर से एक वायर को हमने स्विच के अंदर भेज दिया है और एक एक पॉइंट दोनों का जो हमारे मोटर का है उसको एक स्विच में और एक हमारे 12 वोल्ट की सप्लाई का फीमेल कनेक्टर है उसमें लगा दिया। अब यहाँ पर इसको हम पैक कर देंगे और सुपर ग्लू से चिपका देंगे और इसको घिस देंगे। तो फाइनली गाइस हमारा वैक्यूम क्लीनर बनके यहाँ पर पूरा तैयार हो चुका है। अब यहाँ से पीछे से मैंने इसको थोड़ा क्लीन कर दिया है और इसके ऊपर मैंने सिल्वर कलर कर दिया ताकि ये जो है बिल्कुल ऐसा लगे जैसे मार्केट से हमने परचेस किया हो। भाई यहाँ पर जो हमने जार बनाया था इस जार को यहाँ पर इस टाइप से हम कनेक्ट कर देंगे और यहाँ पर इसको हम इस टाइप से कस देंगे। तो यहाँ पर अब क्या होगा कि यहाँ पर जितना भी कचरा होगा यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको चलाने के लिए 12 वोल्ट की मैं बैटरी का यूज करूंगा। भाई अगर आपके पास बैटरी नहीं है तो आप यहाँ पर 12 वोल्ट 5 एम्पीयर का यहाँ पर पावर सप्लाई भी यूज कर सकते हो। भाई यहाँ पर इस टेबल पर देख सकते हो यहाँ पर इतने बड़े बड़े पत्थर है और रेत पड़ी हुई है, काफी ज्यादा हेवी यहाँ पर हमारे डस्ट है, तो इस सभी को हम यहाँ पर इससे उठवाने वाले हैं। अब यहाँ पर हम इसको इस टाइप से लगाएंगे और बटन को चालू कर देंगे और यहाँ पर देख सकते हो टेबल पे मैंने डस्ट डाल रखी है, यहाँ पर बड़े बड़े पत्थर है इस टाइप के जो काफी हेवी है और यहाँ पर ये रेत भी डाल रखी है, इससे हम यहाँ पर इसको उठवाने वाले। तो चालू करते हैं इसको फटाफट से। फाइनली गाइस हमारा वैक्यूम क्लीनर चालू हो चुका है, अब यहाँ पर इसको हम चलाते हैं।
भाई साहब आप देख सकते हो कि हमारे वैक्यूम क्लीनर ने सारा का सारा यहाँ पर जो है इसके अंदर डाल दिया है सारा मटेरियल, और मुझे यकीन नहीं था भाई यार इतना ज़्यादा पावरफुल रहेगा। मैं सोच रहा था कि जो बड़े बड़े कंकर जो है ना ये तो छोड़ ही देगा ये, लेकिन भाई इसने देखो ये यहाँ पर सारा का सारा मटेरियल डाल दिया है और सारी डस्ट भी इसके अंदर आ चुकी है, मतलब ये काफ़ी हैवी है। और यहाँ पर देख सकते हो जो हमने यहाँ पर फिल्टर लगाया था, इस फिल्टर में जो है हमारा सारा का सारा डस्ट इसी के अंदर डाल दिया है और यहाँ पर हमारी जो फ्रेश हवा है वो बाहर की साइड में छोड़ रहा है। तो यहाँ पर एक बार वो आपको चलाकर दिखा देता हूँ ताकि आपको यकीन हो जाए। और यहाँ पर ये जो वैक्यूम क्लीनर है काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है। तो देखो यार भाई ये जो वैक्यूम क्लीनर है काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है। आपको एक बार और यहाँ पर दिखा देता हूँ, इसको निकाल के सारी डस्ट जो है सारा कंकर वंकर सारा इसके अंदर डाल दिया है और ये जो है काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है। देखो भाई यहाँ पर अभी फिल्टर जो है अभी भी क्लीन है, इसके अंदर भी कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप बहुत देर तक यूज़ कर सकते हो और आपको लगेगा जैसे कि मतलब ये वैक्यूम क्लीनर का पावर कम हो रहा है, तो यहाँ पर इस फिल्टर को आप क्या कर सकते हो, ब्रश से साफ कर देना जिससे वापस से काम में आने लगेगा। ठीक है, तो भाई ये जो है काफ़ी पावरफुल है, इसका आपको वैक्यूम भी दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे देखो मैं यहाँ पे इसको चालू करता हूँ वापस से, अभी देखो भाई यहाँ पर इसका देखो वैक्यूम भाई साहब बहुत लपक खींच रहा है। भाई इसका वैक्यूम इतना ज़्यादा है कि यहाँ पर देख सकते हो ये मेरे पास एक टाइल्स के टुकड़े हैं, इन टाइल्स के टुकड़े को भी यहाँ पर ये खींच लेगा, मतलब उठा देगा। यहाँ पर मैं आपको चालू करके दिखाता हूँ। देखो भाई ये छोटा वाला जो टुकड़ा है इसने उठा लिया है, अभी यहाँ पर आप देख सकते हो ये उठा रखा है। देखो भाई इतना ज़्यादा पावर इसका कि टाइल के टुकड़े को इसने उठा लिया है। अभी यहाँ पर इस बड़े वाले टुकड़े को भी उठाकर दिखाता हूँ आप सभी को। भाई साहब देखो इसका पावर देख सकते हो आप, अब इसको बंद करेंगे यहाँ पर, मतलब काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है भाई। वो मार्केट में जो मिलता है वैक्यूम क्लीनर उससे भी ये ज़्यादा पावरफुल है। जो आप सभी ने देखा वो कार के अंदर यूज़ में होते हैं वैक्यूम क्लीनर, वो काफ़ी ज़्यादा महंगे मिलते हैं, लगभग 1500-1600 रुपये 2000 रुपये तक का मिलते हैं। लेकिन भाई ये जो हमने लगभग यहाँ पर आप देख सकते हो कि 200 रुपये में भी बन के तैयार हो जाएगा, 200 से भी कम रेट में हमारा ये बन के तैयार हो चुका है। और इसका पावर जो है काफ़ी ज़्यादा है, और देख सकते हो यार काफ़ी कॉम्पैक्ट साइज का है, इसको आप इस टाइप से खोल के भी रख सकते हो। ये काफ़ी इजी तरीका है, इसको यहाँ पर सफाई करने का भी काफ़ी अच्छा तरीका है, और यहाँ पर आप सभी को दिख भी जाएगा कि जिसमें मतलब कितना सारा मटेरियल भरा हुआ है। तो भाई आपको ये वाला वैक्यूम क्लीनर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर न हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और टेबल शो जो मैंने आप सभी को दिखाई थी वीडियो के अंदर, अगर आपको वीडियो देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ से जरूर देख लेना। और भी बहुत सारी मैंने वीडियो बना रखी है अपने यूट्यूब चैनल पर जो कि आपको मिल जाएगी, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो आपको फेसबुक पेज पर भी सारी की सारी वीडियोज़ मिल जाएगी। ठीक है भाई, मिलते हैं वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बाहर बैठी।